जम्मू के कठुआ में 8 साल के एक बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या के मामले में 3 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं सबूत मिटाने के मामले में दोषी 3 पुलिसकर्मियों को 5-5 साल की कैद की सजा मिली है। कठुआ कांड में पठानकोट की विशेष अदालत ने मास्टरमाइंड साजीराम, पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया और परवेश को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन्हें 8 साल की बच्ची के अपहरण, बलात्कार, हत्या और पूरे मामले की साजिश रचने का दोषी पाया गया है। इन तीनों मुजरिमों पर कोर्ट ने 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। वहीं सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में दोषी 3 पुलिसकर्मियों आनंदत्ता, तिलकराज और सुरेंदर को अदालत ने 5-5 साल की कैद की सजा सुनाई है। इस केस की जांच कर रही एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया था कि मुस्लिम बकरवाल समुदाय की बच्ची को पिछले साल जनवरी में अगवा किया गया था। उसे कई दिनों तक नशीली दवाएं देकर बेहोश रखा गया था और उसके साथ बार बार बलात्कार किया गया था। बच्ची का शव 1 हफ्ते बाद नजदीक एक जंगल में मिला था। ये मामला इसलिए भी सुर्खियों में आया था क्योंकि बीजेपी समर्थित हिंदूवादी संगठन हिंदू एकता मंच ने इसके आरोपियों को बेगुनाह बताते हुए रैलियां निकाली थी। मंच की एक रैली को बीजेपी के 2 मंत्रियों लाल सिंह और चंद्रप्रकाश गंगा ने भी संबोधित किया था। बाद में दोनों मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जांच एजेंसी जब चार्जशीट दायर करने पहुंची तो उन्हें चार्जशीट दायर करने से रोका गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को पंजाब की पठानकोट अदालत में ट्रांसफर कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।